दोस्तों देखिए एक एलईडी बल्ब है मेरे पास जो कि ये खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको, ये काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा। ये इसकी कीमत 120 रुपये है जो कि हम बाजार से लेके आते हैं, और आज हम इसे घर पर ही बिल्कुल फ्री में ठीक करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। खोलने के लिए थोड़ा यहाँ से चोट लगाएंगे इस तरह से, जिससे कि ये थोड़ी लूज हो जाए। इस प्रकार से चोट लगा के आपको इस तरह से चोट मार लेना इस पर, और फिर हमें इसको थोड़ा सा जोर लगा के इस तरह से खोल लेना है। देखिए दोस्तों खोलने के बाद हमें करना क्या है, एक बार फिर से हमें होल्डर में लगाना है। देखिए यहाँ पे होल्डर में लगा दिए मैंने एक बार फिर से, और अब इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें इस तरह की एक चिमटी चाहिए। चिमटी पे आपको टेप लगा लेनी है। अगर चिमटी नहीं है आपके पास तो एक वायर से काम चल सकता, मोटे वाली वायर लेके दोनों तरफ से छील के उसे इस तरह से बना सकते हैं। और हमें देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक एक एलईडी बल्ब को इस तरह से चेक करना है। इस प्रकार से चेक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से चेक करेंगे सभी एलईडी बल्ब। जो एलईडी बल्ब खराब होगा उस पे हमारी ये चिमटी लगते ही पूरी लाइट जलने लग जाएगी। ये सब ठीक है, ये कोई भी खराब नहीं है। इस तरह से हम एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये एलईडी बल्ब हमारा खराब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एलईडी बल्ब खराब है। इसको हम ठीक करेंगे, ये ठीक करते ही पूरी लाइट हमारी जलने लग जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले निशान लगा लेना है इस एलईडी पे, इस बल्ब पे जो ये खराब है इस पे निशान लगा लेंगे। और होल्डर से निकाल के देखिए, मैंने इसको होल्डर से निकाल लिया है। और हमें करना क्या है, देखिए हमें इसको चाकू की सहायता से, और देखिए सबसे पहले हमें इसको यहाँ से इस लाइट को हटा लेना है। इस तरह से हटा लेंगे, देखिए ये लाइट मैंने हटा ली है। और अब चाहिए हमें इसे ठीक करने के लिए एक पेन, जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। पेन की हमें ज़रूरत है। हमें करना क्या है, देखिए हमें पेन चाहिए होता है। पेन को खोल के, और जो ये टूटी हुई लाइट है, देखिए मैंने ये जो लाइट को तोड़ दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेन को खोल लेना है। पेन के सिक्का निकालना है जिसके अंदर एक लोहे की स्प्रिंग होती है। अभी देखिए इसके अंदर ये लोहे की स्प्रिंग है, तो इसे हमें निकाल लेना है। आपके में शायद अलग तरह की स्प्रिंग हो लंबे वाली, तो हमें इस तरह से स्प्रिंग को निकाल लेना है। आप देखेंगे मैंने स्प्रिंग को निकाल लिया है, देख सकते हो आप, और ये हमारी स्प्रिंग है, ये हमारी एलईडी लाइट है खराब हुई। और दोस्तों इस स्प्रिंग का हमें देखिए एक टुकड़ा कट कर लेना है, इस स्प्रिंग का हमें छोटा सा टुकड़ा कट करना है। कि मैं इसका एक टुकड़ा कट कर लेता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों देखिए मैंने ये छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है स्प्रिंग का, आप देख सकते हो। और अब मुझे एक टेप का टुकड़ा चाहिए, छोटा सा ही एक टेप का टुकड़ा कट करेंगे छोटा इसी तरह का। तो दोस्तों देखिए इस टुकड़े को इस टेप के ऊपर चिपकाना है, इस प्रकार से चिपका लेंगे इस टेप के ऊपर, इस स्प्रिंग को चिपका लेंगे इस तरह से। और अब हमें करना क्या, देखिए यहाँ पे जो ये हमने एलईडी लाइट को हटाया था इसके ऊपर हमें इस स्प्रिंग को इस तरह से लगा लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें टेप की सहायता से इसे चिपका लेना है। आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो पक्की तरह। और इसके बाद हमें देखिए करना क्या है, होल्डर को लेंगे, और देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी लाइट यहाँ पे जल चुकी है। देखिए जैसे मैं इस पर लगाऊंगा तो देखिए दोस्तों हमारी लाइट इस तरह से जल जाएगी। तो इसको मैं एक बार निकाल के इस पर
ये कवर लगा के फिर लगा चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी लाइट जल जाएगी लगाते ही, और मैं एक बार इसमें कवर लगा के फिर आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए हम जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और इस कवर को लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैंने इस कवर को लगा लिया है और फिर से मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा प्लग है, ऑन कर दिए मैंने, ऑफ कर दिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इस तरह से हम घर बैठे फ्री में बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा अपने एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं, 120 रुपये बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।